और अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे लगता है एक वन ईयर का टाइम काफ़ी इनफ है प्रिपेयर करने के लिए, कि जब स्कोर नहीं आते आप प्रिपेयर भी करते हो और स्कोर नहीं आते, तो उसके लिए तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। और इस साल MNNIT ने पैकेज वाइज प्लेसमेंट वाइज भी टॉप कराया है अमंग ऑल दी NITs इन टर्म्स ऑफ MC प्लेसमेंट्स। पहले मैं NIT 3G के लिए था, बट अब मुझे अगर चांस मिले कि अगर मेरी थर्ड रैंक भी आती है फोर्थ रैंक भी आती तो भी मैं MNNIT ही चूज़ करता। 1, 2, 3, रोलिंग एक्शन। तो फिर उसके बाद मेरा तुमसे अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी गलतियां थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो तुमने की, तो अगर वो बच्चे अगर वो मिस्टेक्स ना कर रहे हैं तो उनके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी गलती जो आप एक स्टूडेंट करता है वो है नेगेटिव मार्किंग। डर जाता है, कभी कभार आंसर निकाल देता है लेकिन रॉन्ग आंसर कर देता है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ NIMSAT 2021 एग्जामिनेशन की। मेरे अप्रोक्सीमेटली 586 मार्क्स थे और मेरी 146 रैंक थी, और इससे अगर मैं 30 मार्क्स भी कम कर दूँ ना तो उस बच्चे की रैंक होगी 275 के अप्रोक्स। तो मान के चलो 10-20 मार्क्स से भी आपकी 100 से 150 रैंक कम हो रही है। तो मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो आपको मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आया जो 12 मार्क्स का होता है, उसका आंसर 10 है, आपने 10 निकाला लेकिन आप हड़बड़ाहट के चक्कर में बी ऑप्शन की जगह डी ऑप्शन टिक करिए, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम करते हैं, और ये मार्क्स जो आपको मिल सकते थे वो आपकी रैंक को कितना शिफ्ट कर सकते हैं। आप MNNIT अलाहाबाद से कोई और NIT में जा सकते हैं, जो कि सही नहीं है बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो मेरा एक एडवाइस है कि नेगेटिव मार्किंग से तो बचें। जब आपने इतनी मेहनत करके आंसर सोल्व करा है तो ढंग से रिलैक्स होकर चेक करें कि आप सही आंसर टिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेसिक मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन आता है, उसके बावजूद आप नहीं आप गलत आंसर टिक कर ही आते हैं या फिर आंसर ही गलत निकाल देते हैं, तो इस चीज़ का तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 10-12 मार्क्स भी आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक एक कॉलेज हिल जाता है 10-12 मार्क्स से। तो अगर आपने दो क्वेश्चन भी नेगेटिव मार्किंग में करें हैं ना, तो काफ़ी अफेक्ट हो जाएगा। मैं खुद का इंसिडेंट बताता हूँ, मैं जब पेपर करके आया तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करा मैं 700 मार्क्स का पेपर करके आया था 1000 में से, ठीक है ना। घर पहुँचा, नेक्स्ट डे आंसर की आई, और उसके बाद पता लगा मेरे 700 के 600 मार्क्स हो चुके हैं। मेरे अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन गलत थे, तो जो सही कर रहा था वो भी गलत हुए, उसके नेगेटिव मार्किंग भी ऐड हो गए, 600 मार्क्स हो गए मेरे, 700 के 600 मार्क्स हो गए। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी हुए थे लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, तो एट दी एंड में 586 मार्क्स पे जाके रुका था। और अगर और वो बेसिक सिली मिस्टेक थी जो मैंने करी थी, मतलब मुझे आंसर आता है, मैं ये लाइव एग्जांपल है जो मैं बता रहा हूँ कि 10 की जगह 12 टिक करके आना, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ तो आपके ऊपर, आपको तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ाना नहीं है, एग्ज़ाम करना है और खुशी के साथ पेपर करना है, बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी डूइंग समथिंग देन देर आर मोर चांसेस दैट यू अचीव इट। तो ध्यान से करना और खुश होकर करना, इंजॉय दी जर्नी। तो फिर अब एग्ज़ाम का तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। तो उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आपकी रैंक आ गई, आप कॉलेज आ गए, अब कॉलेज आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब जो मैंने मेहनत की एक साल तक वो मेहनत सफल हो गई, मैं सही जगह आ गया? देखो, पहली बात तो ये है कि कॉलेज आने का मौका मुझे अभी 3 महीने पहले ही मिला है, होपफुली लॉकडाउन हटा और तब जाके मौका मिला कॉलेज आने का। एक बार पहले आया था वेरिफिकेशन के दिन, और उस दिन बहुत ही एक्साइटेड हुआ था, तो तब से मेरा मन था कि मैं कॉलेज जाऊँ। और कॉलेज की सबसे बेस्ट बात ये होती है यहाँ का एनवायरनमेंट, मैं बता नहीं सकता। मैं पूरे ग्रेजुएशन में 3 साल में जितना मैं डेवलप नहीं हुआ था ना, उतना मैं 3-4 महीने में हो चुका हूँ इस कॉलेज के अंदर। हर जगह आपको सीखने को मिलता है, इस कॉलेज के अंदर हर तरह के लोग मिलते हैं, हर चीज़ों को सीखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हर एक बच्चा ब्रिलियंट है, कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके आया है, उसके अंदर हार्ड वर्किंग पैशन है, तो ये चीज़ आपके अराउंड होती है ना तो काफ़ी सीखने को मिलता है। तो कॉलेज लाइफ जो होती है ना एक अच्छे कॉलेज की, जहाँ पे आप अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया होती है। आपको यूट्यूबर्स जैसे लोग मिलते हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, मतलब हर तरह के लोग मिलते हैं। कोई बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है तो दूसरा बताते हैं क्यों ये चीज़ सही है। हर चीज़ की तरह कोई बड़ा बिजनेस खोलना चाहता है तो कोई अच्छी पैकेज छोड़ना चाहता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना चाहता है, और कोई बस नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है। सबके पास उसकी एक्सप्लेनेशन है, और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने को मिलती है यहाँ पर। एक तो इतना बड़ा कैंपस है और काफ़ी अच्छे टीचर्स होते हैं ऑब्वियसली इस कॉलेजेस के, बड़े कॉलेजेस के, जो अच्छी तरह पढ़ाते हैं। और उसके बावजूद सबसे बढ़िया बात कॉलेज की होती है उनके सीनियर्स, हमारे सीनियर जो बहुत ही अच्छी तरह गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कभी पढ़ते होगे तो आप फेमस चैनल से पढ़ते होगे, बट सीनियर्स जो होते हैं वो हमको अच्छे चैनल बताते हैं, चाहे वो फेमस नहीं है, बट वो पढ़ाने वाले तरीके जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको ही रिकमेंड करते हैं, और बताते एग्जैक्टली कौन सी कंपनी किस मंथ आने वाली, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्या तुम्हारी स्किल्स हैं। बहुत क्वेश्चंस कंडक्ट कराते हैं, पेपर्स कंडक्ट कराते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं, और हर दूसरे या तीसरे महीने कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं जिससे आपको मोटिवेट होता है। तो कॉलेज की लाइफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको MNNIT में अच्छा पैकेज सिर्फ उसके एनवायरनमेंट की वजह से मिलेगा और किसी वजह से नहीं मिलेगा, और यहाँ का एनवायरनमेंट इज़ दी बेस्ट। तो आप जब ये एग्ज़ाम निकाल कर आए तो एग्ज़ाम में तो मैथ थी केवल,
लेकिन यहाँ पर आकर आपको पता चला है, आपको पहले से ही पता होगा कि आगे जाके तो कोडिंग ही करना है, पूरे जो जॉब मिलेगी वो सब कोडिंग के बेस पर मिलने वाली है। तो आपका कोडिंग बैकग्राउंड कैसा था, ठीक है, तो वो आप बता दो। देखो मैं मैथ ऑनर्स का स्टूडेंट था, कोडिंग से तो कोई लेना देना था ही नहीं। देखो रियलिटी बताता हूँ, मैं मैथ ऑनर्स कर रहा था और मैं रिग्रेट कर रहा था क्यों मैंने मैथ चुनी। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो या कुछ ऐसा ढूंढ लो जिसमें तुमको सही लगे। तो उस टाइम जब मैं तैयारी कर रहा था, मतलब उस टाइम जब मैथ ऑनर्स कर रहा था, तब पता लगा कोडिंग जैसी चीज़ होती है। तो मैंने उसमें अपने 3 से 4 मंथ करे जिसके अंदर मैंने बेसिक पाइथन सीखी थी, और फिर मुझे लगा ये काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक इंटरेस्टिंग सा है और इसमें अच्छी प्लेसमेंट्स भी होती, मतलब अच्छा करियर है आगे जाके, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ ड्राइवन हो रही है। तो मेरे को लगा कि यार इसमें तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तब मुझे उसके बाद पता लगा कि निमसेट के बारे में। तो मेरा कोडिंग का कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, मैंने 3-4 मंथ पहले कोडिंग करके देख ली थी कोडिंग होती क्या है और क्या मैं इस फील्ड के अंदर सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। निमसेट मेरा सिर्फ पैकेज की वजह से नहीं है, पैकेज की वजह से होता तो शायद मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर लेता, बट एक कोडिंग भी एक रीज़न था जिसको करने का। और सेकंड रीज़न ये है कि आजकल फ्रीलांसिंग की टेक्नोलॉजी ड्राइवन होती जा रही है पूरी वर्ल्ड, तो कोडिंग का तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो ये एक रीज़न था, और सेकंड की कोडिंग का बस मेरा इतना ही बैकग्राउंड था। उसके बाद जो मैंने सीखा वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही मैंने कोडिंग वापस शुरू करी। तो अगर कोई बंदा पहले निमसेट क्रैक कर लेता है और कॉलेज में आ जाता है लेकिन उसे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम जीरो है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा और अच्छी प्लेसमेंट ले पाएगा? आराम से ले पाएगा, सर्वाइव के सब सर्वाइव कर रहे हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 स्टूडेंट्स हैं, 117 स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच में, और मोर देन 50-60 स्टूडेंट्स होंगे जिनको कोडिंग का बिल्कुल नहीं आती थी जब उन्होंने शुरू करा। मैं भी था जो बिगनर था, मैं थोड़ी बिगनिंग से आती थी मुझे, बाकी वो बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब वो भी हमारे बराबर है, सब लोग कोडिंग कर रहे हैं, सबको प्लेसमेंट्स मिल ही जाती हैं आराम से, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि पहले न्यूसेट का एग्ज़ाम क्रैक करो, उसके बाद कोडिंग जर्नी शुरू करो। अगर आप 7x7 कर सकते तो अच्छा है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी निमसेट एग्जामिनेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी तो प्लेसमेंट देने ही आएगी, ठीक है ना। कोडिंग कर भी लोगे तो फिर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो काफ़ी इजी प्रोसेस नहीं होता है, टफ हो जाता है। तो कोडिंग तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं आती है, अभी भी मजे चिल कर रहे हैं, और क्योंकि आपने वो एग्जाम्पल सुने होंगे कि 3 महीने प्रिपेयर करके निकाल दिए, 2 महीने प्रिपेयर करके निकाल दिए, तो लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोडिंग तो सीख ही जाओगे, 3 साल कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आराम से सीख जाओ कोडिंग। निमसेट में फोकस करो, और अगर निमसेट के साथ कोडिंग कर सकते तो देन दैट इज़ वेल एंड गुड, बट निमसेट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फिर आपको सारे जवाब मिल गए होंगे जो आप क्वेश्चन मुझसे करते हैं कॉमेंट में आकर। तो इसके बाद मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हो, जो आप अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में जो किया है यहाँ तक पहुँचे हो, इससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो, या आपको लगता है ये मैं ये ना करके ये कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो लाइफ से सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं होता है, अप्रिशिएट करना चाहिए जो आपने अचीव करा है, क्योंकि देखो निमसेट क्रैक करा तब 1-2 दिन खुशी थी, जब यहाँ आए तो सारे लोग हमारे जैसे ही हैं, तो यहाँ पे मतलब कोई ऐसे अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो सेटिस्फेक्शन तो दूर की चीज़ है। यहाँ पे स्ट्रगल और होता है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है, सुबह के 5:30 बज के ये व्लॉग शूट हो रहा है स्पेशली, और हमको उठाया गया है इस व्लॉग को शूट करने के लिए, तो कोई आसान नहीं है यहाँ पे ज़िंदगी कि आप ये बोल रहे हो कि सब कुछ आसानी से चल रहा है, सेटिस्फाइड होना पड़ता है, बट हाँ साथ में स्ट्रगल भी है। सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से और काफ़ी सही चल रहा है फिलहाल, तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अच्छा कॉलेज मिल चुका है, निमसेट है, और कोडिंग जर्नी भी काफ़ी सही चल रही है, और यूट्यूबिंग से कोई वास्ता नहीं है, तो सही चल रहा है सब कुछ। शुक्रिया आकाश आपका इस वीडियो में आने के लिए और अपना बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए। तो आकाश भी कुछ कहना चाहता है, आखिरी शब्द आपको, तो वो आप सुन लो। देखो शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, 500 रुपये पेटीएम कर देना मेरे अकाउंट के अंदर, 5:30 बजे इस बंदे ने मुझे उठाया है इस व्लॉग को शूट करने के, इस वीडियो को शूट करने के लिए, और कोई बंदा तैयार नहीं था, मैं तैयार हुआ। इसको थैंक यू तो कहना ही चाहिए, बट पैसे भी पे करने चाहिए। आप चाहे तो मेरे कमरे पर डोमिनोज का पिज़्ज़ा भिजवा सकते हैं, जो आप फैसिलिटी देना चाहे आप दे सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगा ये शूट करके, और थैंक यू। तो वंस अगैन बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको इस वीडियो में आने के लिए, और ऑडियंस को कहना चाहूँगा मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, बाय।